मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। और मैं सपना आप सबका स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल सपना की छोटी सी दुनिया में। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, अभी देखिए सब्जी लेकर आए हैं। अभी सभी जितने भी सब्जी लाए हैं उसे भी रखना है, अभी रख ही रही थी। दुर्गा पूजा का चंदा कट चुका है, अभी आए थे बाहर देने। ताजी ताजी है। भी बढ़िया है, बहुत दिनों के बाद करेला आया है मेरे घर में। तो घर की साफ सफाई हमारी हो चुकी है और बाहर का थोड़ा सा आप लोगों को नज़ारा दिखाते हैं। Thank you.
तो चलिए सारे काम हमने निपटा दिए हैं और एक तरफ मैंने चावल चढ़ाया है और हम बनाने जा रहे हैं करेले की भरवा। तो चलिए आज इसी की रेसिपी आप लोगों को देते हैं। तो इसे ना इस करेले के छिलके उतार कर भी भरवा बनाया जाता है, लेकिन मैं छिलके बिल्कुल भी नहीं उतारूंगी। इसे आधा में हम काट करेंगे, किनारों से कट करके हटा देंगे, फिर बीच से हम काट लेंगे, देख लेंगे इसमें थोड़ा सा सड़ा गला है तो नहीं, फ्रेश था ये। तो क्या करेंगे इसके बाद, थोड़े से पानी में हम इसको डाल देंगे धोकर और अच्छे से इसको उबलने के लिए हम चढ़ा देते हैं। तब तक जो बाकी थोड़े मोड़े अपने लिए जो पानी वगैरह गर्म किया उसे भी पी लेंगे। प्याज लहसुन जितने भी हैं काटने वाली चीज़ें ले आई हूँ, यहाँ पर ही काट लेंगे। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो है बफा चुका है, और बाफने के बाद ना इसके अंदर से बीज है सब निकाल लूँगी। इस तरह से चाकू के द्वारा हम अच्छे से इस बीज को निकाल लेंगे। और अब हम कढ़ाही चढ़ाएंगे, कढ़ाही में हम तेल गर्म होने पर हम डालेंगे इसमें जीरा का फ़ौरन, और जीरा के डालते ही हम हरी मिर्च ज़रूर डालेंगे। इसके बाद हम प्याज डालेंगे, प्याज का क्वांटिटी जो है बहुत ज़्यादा रहता है क्योंकि अच्छा लगता है, इसमें प्याज ही तो है जो कि मसाले को बढ़ा देता है थोड़ा। तो यहाँ पर अच्छे से हम इसको भूनेंगे, फ्राई करेंगे थोड़ा। आधा फ्राई होने पर अब हम इसका बीज जो है इसमें हम डालेंगे। इससे आप इसकी भी कर सकते हैं, मतलब नहीं भी डाल सकते हैं, क्योंकि जिनको नहीं अच्छा लगता है बीज ना वो हटा कर फेंक सकते हैं, लेकिन मुझे तो अच्छा लगता है तो हम लोग खाते हैं तो मैं डालती ज़रूर हूँ। टमाटर और नमक डाल दिया है और इसके बाद अच्छे से चलाएंगे इसको। चलाने के बाद ढक ढक कर इस टमाटर को पका लेंगे। पकने के बाद इसमें अच्छे से इस तरह से हम चूर करके एकदम महीन कर लेंगे। और इसके बाद हम मसाले डालेंगे। मसाले में बड़े चम्मच से एक चम्मच धनिया पाउडर, छोटी चम्मच से मैंने हल्दी पाउडर, और साथ में गरम मसाला हमने डाला है एक चम्मच। सभी को हम भूनेंगे और अच्छे से फ्राई करेंगे धीमी आंच पर। इसके बाद लहसुन का पेस्ट डालकर अच्छे से इसको भुनाई करेंगे। भुनने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें जो मसाले हैं उसमें हम डालेंगे नींबू। एक हमने बड़े नींबू डाल का रस डाला है और अच्छे से चलाकर हम आधे मसाले को निकाल कर रख लेंगे भरवा के लिए, और आधे इसी में रखेंगे। और आधे मसाले जो बचे हैं उसमें थोड़ा सा हम पानी डालकर ग्रेवी तैयार करेंगे इसका। तो बस थोड़ा सा नमक इसमें डाल देंगे, और उसमें भी नमक डाला है, ग्रेवी बढ़ गया ग्रेवी पानी डालने से, इसलिए इसमें भी नमक हमने डाला है। यहाँ पर भरवा के लिए यहाँ पर धीरे धीरे जो मसाले हैं सभी को इस तरह से भरना है चम्मच के द्वारा अंदर तक। इस तरह से चम्मच से हम अंदर तक मसाले को डालेंगे और इस तरह से हम जितने भी हैं सभी को तैयार करेंगे इसी तरह से। तो देखिए हमने तैयार कर दिया है, सारे जितने भी हैं तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पर हम फ्राई पैन चढ़ाया है और उसमें हम डालेंगे तेल। क्या है ना कि जब भी ये करेले वाले भरवा बनाओ या फिर करेले की सब्जी भुजिया तो तेल ज़्यादा ही लगता है, तो तेल हमने डाला है। उसके बाद गरम तेल हल्का होने पर हम उसमें बारीकी से धीरे धीरे हम सभी जितने भी हमने
ये करेला का भरवा बनाया, सभी को डालते जाएंगे और चम्मच के द्वारा इस तरह से हम पलट पलट कर हमने पका लिया है। तो जब हमारा कलर थोड़ा चेंज हो जाए तब इसको हम निकाल लेंगे प्लेट में। इसी तरह से सभी को हम निकालेंगे और यहाँ पर हमारा ग्रेवी जो है तैयार हो चुका है, खोल चुका है। तब इसमें हम डालेंगे जो हमने भरवा करेला भरा था। बहुत ही इजी और आसान है, लेकिन खाने में बहुत अच्छा लगता है भरवा करेला। तो डालने के बाद ढक दिया है, ढक कर हम चेक करेंगे थोड़ी देर के बाद कि हमें कितना रस्सा रखना है, कितना ग्रेवी रखना है। क्या है ना, चावल के साथ मुझे खाना है तो ग्रेवी तो मैं रखूँगी इसमें, लेकिन अगर रोटी के साथ खा रहे ना तो एकदम सुखा दीजिए और ग्रेवी थोड़ा सा रखिए, बहुत मस्त लगता है खाने में ये। तो चलिए थोड़ा सा और सुखाएंगे इसको हल्का। तो बनकर तैयार है हमारा गर्मा गर्म भरवा तैयार है। अभी खाना पीना हो चुका है और सच में करेला का भरवा जो बनता है ना बहुत अच्छा लगता है खाने में। मुझे तो बहुत करेले पसंद है, उसका तीखापन एक बूंद भी नहीं था, नींबू डाल देती हूँ तो और अच्छे से भून देती हूँ। तो चलिए हम वीडियो के एंडिंग यहीं पर कर देते हैं। वीडियो अगर पसंद आए हमारी तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाइए। जो भी मेरे दोस्त फ्रेंड्स आ रहे हैं न्यू तो बेल आइकन को दबाते जाइएगा। और इसी के साथ हम करते हैं एंडिंग। बाय बाय, गुड डे, टेक केयर दोस्तों।